नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल खबरें। लोकल खबरें में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से रामकिशोर वर्मा की खास खबर पर आइए एक नजर डालते हैं। करहल में उपजिलाधिकारी रतन वर्मा की दिखी सार्थक पहल, गौवंश सेवा के लिए आगे आए समाज सेवी। जनपद मैनपुरी के कस्बा करहल में उपजिलाधिकारी रतन वर्मा की गौवंश सेवा करने की पहल सार्थक दिखी है। पहले दिन समाज सेवी राशन डीलर सर्वेश कुमार उर्फ कल्लू भैया ने गौवंश की सर्दी से बचने हेतु एक सैकड़ा से अधिक बोरों के बनाए गए गोवंश के अंगव्रत काना पशु आश्रय केंद्र करहल को समर्पित किए। उपजिलाधिकारी रतन वर्मा ने काना पशु आश्रय केंद्र करहल पर पहुंच हरा चारा खिलाकर गौ वंश को बोरा अंगव्रत बनाकर लोगों को गौ वंश सेवा करने का सुखद संदेश दिया है। साथ ही लोगों ने भी समाज सेवा हेतु आगे आने का आग्रह किया है। इस दौरान नगर पंचायत ईओ प्रभात रंजन यादव, खंड विकास अधिकारी राम प्रसाद, डीलर श्याम सुंदर शर्मा, अजमत राहत आदि तमाम लोग मौजूद दिखे। आपको बताते चले कि बीते दिवस उपजिलाधिकारी रतन वर्मा ने नगर के व्यापारी एवं गणमान्य नागरिकों के साथ बैठक कर गौवंश सेवा करने के लिए सभी को प्रेरित किया था। नगर के लोगों ने समाज सेवी सर्वेश कुमार व उपजिलाधिकारी के इस प्रयास की मुक्त कंठ से सराहना की है। आइए आपको सुनाते हैं इस विषय पर समाज सेवी सर्वेश कुमार का क्या कुछ कहना है। एसडीएम साहब ने आग्रह किया था जो आप गौ सेवा में कर सकें वो कीजिए। तो हमने ठंड में छुटरते हुए गायों को देखा तो मेरी प्रेरणा हुई कि मैं इनके ऊपर धूल बनवा कर डलवाऊँ। तो मेरी जो सामर्थ्य थी वो मैंने कई गायों पर हम लोगों ने मिलकर उस पर धूल डाली गायों को। क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? इस प्रकार से सभी लोग अगर गायों का सहयोग करें तो हमारी गाय न तो कहीं बाहर भटकेगी और किसान भी अपनी गाय अपनी बांध कर रखें जिससे और किसानों को भी परेशानी ना हो और गौशाला में भी गाय सुरक्षित।